अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुठवारी बैठक किनी ते तू सुना अपना मेज़बान शहजाद नाकिश तुसने खिदमत च हाजिर। सुनाओ के हाल चाल? ठीक ठाक हो? हमेशा आज भी साड़ी इये दुआ जिथे रहो असने ते बसने रहो। तुसा की पता है असा अपनी पुठवारी बैठक च खिताए पुठवार नाल तल्लक रखने लिया मुख्तलिफ शख्सियात की मेज़बान ने तौर पर दावत देने आने। आज भी असा दो बड़िया ही खूबसूरत शख्सियात की अपनी बैठक च दावत दिती। मैं तारुफ पेश करना, साड़ी बैठक ने मेज़बान बहुत सोहने ते बहुत सुचे शायर, ड्रामा निगार, रेडियो कंपेयर, माहिर तालीम, मुहक्क ते पता नहीं कह के बहुत सोहनी तो बहुत बड़ी शख्सियत सैयद तालब बुखारी साहब। मेज़बान बड़िया खूबसूरत नात खान महविश अली साहिबा। असा अपने दोवें मेज़बानों नाल गलबात भी करने हैं ते नाल इन्होंने फन ते इन्होंने कमां ने हवाले नाल भी इन्होंने नाल जिक्र करने हैं। तालुब बुखारी साहब, मैं पुठवारी बैठक च तुसां गी सब तो पहला जी हां कि आखसा, बड़ी मेहरबानी तुसानी तुसां वेला कढ़िया ते साड़ी इस बैठक च आए हो। ए माड़े वास्ते भी सादत है जी, मैं इस प्रोग्राम में शामिल होया क्योंकि खास असन अपना प्रोग्राम। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये गल ही, बिल्कुल ये गल ही। ते के हाल है? ठीक ठाक हो जी, अल्लाह ना शुक्र है। अच्छा अच्छा, असने नाजरीन की अपने बारे तुसां दसो कि तुसां केड़े इलाके नाल ताल्लुक रखने हो, किथे पैदा होयो, शुरू सो सा शुरू करना। तहसील गुजर खान विच जाय जी, कनेट खलील, कनेटी मिर्ज़ियां आम मशहूर है। अच्छा, ए गुलाणे नाल ही कस्बा है जी। जी उत्थां माड़ी पैदाइश है। अच्छा, ते मैं उत्थे ही अपना बचपन गुजारिया। अच्छा, उत्थों मैं मिडल भी पास कीता स्कूल। अच्छा, उत्थों ही? हाँ जी। ठीक, तो माड़ी पैदाइशी जड़ी मादरी जुबान है वो पठवारी है। सही, इसने जी मैं गल बात शुरू की थी। सही, ते वड़ा होया। बड़ी गल, बड़ी गल, बड़ी खूबसूरत जुबान है साड़ी जी। ते तालीमी सिलसिला फिर किस तरह उत्थे ही होया जो रे परे गशने ना? जी फिर मैं जेलम तू मैट्रिक कीता जी। अच्छा, उत्थे ही फिर कॉलेज विच दाखिल होया। अच्छा, ते फिर मैं प्राइवेट बहुत पढ़िया। अच्छा, मैं ग्रेजुएशन तो बाद बी एड कीता। अच्छा, फिर एम ए उर्दू, एम ए इस्लामियात, एम ए पंजाबी, एम फिल इकबालिया, तो पी एच डी भी मैं कर बैठा। माशाल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। असा तुसा नाल तुसानी शायरी, तुसानी तहकीक बारे ते जड़ा तालीम ना एक सिलसिला रिया तुसाना उस बारे भी गल करसा, पर मैं चाहना कि मैं महविश साहब की भी अपने प्रोग्राम शामिल करा, गलबात शामिल करा। महविश साहब, तुसा की भी जी आया कि आखसा पुठवारी बैठक की, तुसाना भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसा वेला कढ़िया, तुहाडा शुक्रिया बुलाण दा। अच्छा, एक गल दसो कि तुसा केड़े इलाके नाल ताल्लुक रखने हो? असी जी बेसिकल है ते तरपिंडी दे ही मतलब जमपाला। अच्छा, मगर बेसिकल साडा जेहड़ा ताल्लुक है ओ सारे दी साइड तो अब्टाबाद। अच्छा अच्छा, यानी पियो दादा ना जेहड़ा ताल्लुक है ओ अब्टाबाद। तालुब बुखारी साहब बैठे न साडा गुमांडी है नाल ही है। जी नाल नाल, बिल्कुल। ते बचपन तुसाना पिंडी गुजरिया? हां जी। कैसा बचपन गुजरिया तुसाना, किस तरह? नाता पढ़दे पढ़दे। अच्छा अच्छा, नाता पढ़ने पढ़ने पढ़ने, ठीक है। नाता तुसा कोलों असा सुनसा जी। मैं चाहसा कि बुखारी साहब नाल एक बार फिर शुरू करिए असा गलबात। शायरी केड़े दौर च शुरू की थी बुखारी साहब तुसा? मैं जिसलै कॉलेज विच गया ना जी। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज जलम, तो उत्थे असा ने जेड़े उस्ताद सुन ओ शायर सुन कुछ। अच्छा, उन्हां की सुनने सन मुशायरे, पर लोग बड़ी दाद देने। सही, ते वो अंदर कोई जज्बा तो मौजूद होना ना। सही, मसलन पंजवी च मैं एक दोस्त है कि आखे यार छुट्टियां होने वालियां, मैं तू की अपना एक शेर देना। अच्छा, ओश मेरा आवास है, ये भी एक अजलास है, 1955 निकल 54 निकल। तो वो अंदर मतलब कोई चीज मौजूद सी। बिल्कुल, वो फिर जिसल उस्तादा की मुशायरे पढ़ने तकिया ना। सही, ते वो फिर तड़प पैदा हुई, उत्थे ही कोई पुट सिद्ध करना शुरू किया। ते फिर जिसलै पढ़ाने आले पास आया, तो फिर कोई ऐसे दोस्त संगी है जे मिले जेड़े नाल सुन, रफीके कार सुन, वो तो क्या उन्होंने भी शायर हैं। सही, वो फिर ये सिलसिला औले औले चल निकलिया। सही, ते बाकायदा छपने ना जड़ा आगाज है वो कोहिस्तान विच पहली बार 1965 विच मैं छपिया सा। अच्छा, 1965 विच? जी 1965 विच पहली बार छपिया। अच्छा, उदू तो फिर चलना रहा। सही, ते पठवारी शायरी जेड़ी है ये उसलै कोई ज्यादा कोई नहीं सी कोई सामने। अच्छा, आई तुसा उर्दू शायरी? उसलै उर्दू शुरू की थी। अच्छा, फिर बाद विच पंजाबी भी की थी। ते पठवारी ना उसलै कोई शायरी ना ना सामने कोई नहीं सी। सही, बंदे को नहीं सुन लबने। सही, ते ये तारीख भी लोड़ी है तो कोई पिछली सदी ची कोई ना तो आखियां गई, यानी 2000 तू पहला थोड़ा जा सा कुछ ना तो लोग आखियां। बहुत पुरानी पठवारी नात नी तारीख या शायरी नी तारीख भी बहुत पुरानी नहीं। सही, गो जुबान नी तारीख बहुत पुरानी है लेकिन शायरी नहीं। शायरी नहीं, नहीं। सही, या तुसा लोक गीत जेड़े न जिन्हां विचों अशनी
मतलब माई आ गया, जुगनी आ गई, इन्होंने पुरानी है ए, या ग्रामा विच ब्याह शादी पर लोग गीत गाने सन, मामा भैणा मराजानिया टोल रखी क्या टोलगी रखी क्या, तो वो खुश होने सन, अपनी खुशी ने इजहार करने सन, उन्होंने तारीख पुरानी है और ਵਾਜ਼ਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਉਹ ਗੀਤ ਅੱਗੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣੇ ਦੇ। ਸਹੀ। ਲੋਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਊ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਛ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਦੇਰੋ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਸੁੱਤਿਆ ਮਾੜੀ ਬੱਚੋ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਆ। ਸਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਤ ਨੀ ਤਾਰੀਖ ਬਹੁ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਠਵਾਰੀ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਜੀ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਜ਼ੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਤਸਬੀਹੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੁਣ, ਇੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਗੋਸ਼ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਸੀਦਾ ਮਾੜਾ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਬ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਥ ਖਾਣੀ ਨਾਲ? ਨਾਥ ਖਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾਥ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਲ ਪਿੰਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਈ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੀਚਰ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਆਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਕਾਇਆ ਰਸੂਲੱਲਾ ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਹਿ ਕਾਇਆ ਹਬੀਬੱਲਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ, ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਾਂ, ਗੁਸਲ ਦਵਾ ਨਾਲ ਤਰੋਕਾਂ, ਕਰਾਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ, ਕਰਾਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ, ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ, ਆਕਾ ਜੀ ਹੈ ਪਰਮ ਕਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ, ਫਿਰ ਭੈਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜੁਦਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਭੈਣ
कदी भी ना जुदाइया मदीने दिया होन गलिया कासा पढ़ के ते करा मैं दुहाइया मदीने दिया होन गलिया जी करदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है। बुखारी साहब तुसा नात नी गल करने पे सो नात सुनने से पहले पुठवारी च नात ते एक किस तरह कह किता जा सकना के लोकां की रागब किता गछ है लखारियां की रागब किता गछ है। गल ही है भाई नात ना जे मुड़ लोड़ी है ना जड़ तो कुरान करीम विचो निकली। बिल्कुल 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 ये गल अल्लाह करीम एक निका जा वक्फा असा किन सा निकी इजाजत दे सो तुसा नाज़रीन वक्फे सु बाद एक बार फिर तुसा ने खिदमत च हाजिर हो सा साडे नाल रहे आवे।